हिंसा की राजनीति से बचने का आह्वान करते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए हिंसा जैसे कृत्यों को बढ़ावा देते हैं। त्रिपुरा की घटना के बाद राज्य में हिंसा के प्रयासों के मामले को लेकर रजा अकादमी पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि रजा अकादमी ही नहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राशन कार्ड को लेकर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए पटोले ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले तो उज्ज्वला योजना चलाकर प्रत्येक गरीब को गैस और सिलेंडर बांट दिए। गैस सिलेंडर होने का हवाला देकर लाखों परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठने का दावा किया गया, लेकिन उज्ज्वला योजना में लोगों के साथ हुआ धोखा अब उजागर हो चुका है। कई परिवार गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं, अतः अब गरीबों को सस्ती दरों पर मिलने वाला राशन बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राशन वितरण पर केंद्र सरकार की नीति के अनुसार काम होता है। यदि भाजपा इसका गलत प्रचार कर रही है तो उनके कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी देंगे, लोगों में भी जन जागृति की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठकर पाप करना और राज्य के खिलाफ झूठ फैलाने का काम भाजपा की ओर से किया जा रहा है। ज्या कार्यक्रम आले होते त्याच्यामध्ये देशाचं संविधान आणि देश याच्यापेक्षा कोणी मोठा नसतो आणि सगळ्यांनी एकत्रित राहून देशाच्या संविधानाला मजबूत करणं हा संकल्प आज या कार्यक्रमाचा होता। आणि या पद्धतीची काही व्यवस्था जाती धर्मामध्ये भांडण करणारी या व्यवस्थेला खरा उपाय देण्यासाठी आज तारिक अनवर साहेब इथं आलेले होते आणि ते देशाचे नेते आहेत काँग्रेस पक्षाचे आणि त्याच्यामुळे आपल्या समोर त्यांनी प्रेस घ्यावी अशी इच्छा आम्ही व्यक्त केलेली आहे। तर आपण त्यांना काही आपली बाजू मांडतीलच, पण तुम्ही आपल्याला या निमित्ताने त्यांना प्रश्न विचारू शकता। तय करेगी, फैसला करेगी क्या करना क्या कर, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमको पहले 2014 की कीमत पर लाओ। देश के लोगों को ये 5 रुपये 10 रुपये से काम नहीं चलने वाला। जितना बड़ा बोझ है तो राज्य सरकार भी घटाएगी। बहुत सी राज्य सरकारों ने घटाया है, पंजाब ने घटाया है, आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम भी घटाने जा रहे हैं। लेकिन जो जिस अनुपात में घटाना चाहिए था केंद्र सरकार को, क्योंकि जितने जो एक्साइज ड्यूटी है वो मूल रूप से केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार मजबूरी की हालत में वो काम कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, आर्थिक रिसोर्स नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के पास रिसोर्सेस था, उसके बावजूद उन्होंने दाम बढ़ाया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।